Press the bell icon of the e-Pathshala channel and never miss another update. So guys, now we are back with the second part of this chapter. दोस्तों chapter का नाम था local government. इससे पहले हमने इस chapter का पहला part upload किया हुआ है. और दोस्तों ये chapter 8 नहीं है, अभी chapter 7 हो चुका है. ये याद रखिएगा क्योंकि new series के हिसाब से जो नया syllabus आया है उसमें से आपका जो 7th chapter था federalism वो हटा दिया गया है. सो दैट इज़ वाई चैप्टर 8 अब काउंट होगा 2020 में. तो यहाँ पे दोस्तों अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमने देखा था लोकल गवर्नमेंट के बारे में पहले पार्ट में सारी की सारी इसकी कहानी. अब हम जानने की कोशिश करेंगे इसके अंदर 73 अमेंडमेंट के बारे में. दोस्तों 73 और 74 अमेंडमेंट पूरी इस चैप्टर का मेन थीम था, तो इसीलिए अब हम 74 अमेंडमेंट पे फोकस करेंगे. 74 अमेंडमेंट पूरी तरीके से सरकार ने प्रावधान लाया और प्रावधान लाने के बाद 1992 के अंदर इसे एग्जीक्यूट करा गया और एग्जीक्यूट करने के बाद फाइनली इसको सही तरीके से हर स्टेट के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टार्ट कर दिया गया. 73 अमेंडमेंट वैसे तो तीन स्ट्रक्चर में बटा हुआ है, जैसे आप ग्राम पंचायत, उसके साथ में आप पंचायत समिति और जिला परिषद बोलते हैं, इन्हें हिंदी में भी ये बोलते हैं. ग्राम पंचायत गांव के स्तर पे काम करता है और साथ में पंचायत समिति जो है ये पूरी तरीके से ब्लॉक में काम करती है और डिस्ट्रिक्ट जो है पूरे एक बड़े डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करती है. ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बार बार नहीं बताऊँगा, ठीक है. तो सबसे पहले आप समझ सकते हैं, मान लीजिए कि पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश है. उत्तर प्रदेश के चार जोन होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है. तो दोस्तों आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट ये पूरा इलाका जो है ये नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, ये नॉर्थ और वेस्ट है तो ये इलाका पूरी तरीके से नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा. वेस्ट और साउथ है ये इलाका तो इसे वेस्ट साउथ बोलते हैं, ये साउथ और ईस्ट है तो इसे साउथ ईस्ट बोलते हैं. तो इस तरीके से आप ये देखने की कोशिश करें कि ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट हो गए, ठीक है. ये डिस्ट्रिक्ट हो गए, ये सारे डिस्ट्रिक्ट हो गए, 6 डिस्ट्रिक्ट हो गए, यानी कि जिला परिषद जो होगा सिर्फ और सिर्फ इन 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ही होगा, ये आपको याद रखना होगा. मान लीजिए कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ और यहाँ पे जी और यहाँ पे एच. तो ऐसे किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी स्टेट हो उसमें अगर क्या कहते हैं पंचायत समिति, यानी कि अगर ये लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर चल रहा है तो वहाँ पे जिला परिषद 6 ही होंगे. अब दोस्तों एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम नॉर्थ ईस्ट का एग्जांपल ले लेते हैं. अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर कम से कम अगर बी व्यक्ति जो है वो बी व्यक्ति यानी कि ये वो पूरी तरीके से पूरी डिस्ट्रिक्ट का मेन हेड है. अब हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होता है, जो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, ब्लॉक जो होता है वो बहुत सारे गांवों को कंट्रोल करता है. तो दोस्तों ये एक ब्लॉक हो गया, ये दो ब्लॉक हो गया, ये तीन ब्लॉक हो गया, ये चार हो गया, ये पांच हो गया और ये 6 हो गया. जनसंख्या के हिसाब से ब्लॉक अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पर ब्लॉक का कोई हेड होता है. जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ब्लॉक का हेड होगा तो इसके अंडर में कम से कम 5 गाँव आते होंगे. तो किसी एक ब्लॉक के अंदर 5 गाँव आते होंगे, इसके अंदर में कोई दूसरे ब्लॉक के अंदर कोई गाँव में आते होंगे, इसके ब्लॉक के अंदर कुछ और होता होगा. तो इसके अंदर क्या होता है, हर 5 गांव का कोई एक हेड होता है जिसे आप ग्राम पंचायत बोलते हैं, यानी कि हेड ऑफ द विलेज बोलते हैं. तो तीन स्तर हो गया, एक डायरेक्टली नॉर्थ ईस्ट यानी कि किसी एक हिस्से को कौन संभाल रहा है, डिस्ट्रिक्ट का हेड संभाल रहा है, वो जिला परिषद का हेड संभाल रहा है. उसके नीचे ब्लॉक्स होते हैं, आप ब्लॉक देख सकते हो 6-7 ब्लॉक, वो जनसंख्या के हिसाब से और प्लेस के हिसाब से ब्लॉक्स होते हैं. उन ब्लॉक के अंदर एक सरकारी व्यक्ति होता है जो काम करता है. लेकिन यहाँ पे दोस्तों ग्राम पंचायत का जो होता है, ग्राम पंचायत का 5-6 गाँव का, 2-3 गाँव का मिला के, कहीं पे 4 गाँव भी हो सकते हैं, उन 4 गाँव को मिला के एक हेड होता है. यानी कि इन 5 के अंदर, इन 5 गाँव के अंदर ए बी सी डी या 1 2 3 4, इन 5 गाँव के अंदर कोई भी समस्या होगी तो वो डायरेक्टली अपने ब्लॉक के किसी हेड को बोलेगा. अगर ब्लॉक का हेड उसका सलूशन नहीं कर पा रहा है तो वो डायरेक्टली वहाँ के जिला परिषद को बोलेगा. तो ऐसे ये कहानी चलती रहती है. और दोस्तों ये 73 अमेंडमेंट है, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा. अब हम आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं, अब हम देखने जा रहे हैं कि इनका इलेक्शन कैसे होता है. दोस्तों जिला परिषद का जो होता है हेड वो एक एमएलए हो सकता है,
और एक एमपी भी हो सकता है। तो इसीलिए इनका जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्टली जनता के द्वारा होता है, किसका, जिला परिषद के हेड का, और साथ में मैं बोल सकता हूँ जो गांव के प्रधान होते हैं उनका जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्टली जनता के द्वारा होता है। क्योंकि सरकार 5 साल की होती है इसलिए ये भी लोग 5 साल के लिए आते हैं। इसमें रिजर्वेशन भी है, वुमेन्स लोगों का 50% हिस्सा जो है पूरी तरीके से आरक्षित करा हुआ है, और एससी एसटी की सीटें भी इसमें रिजर्व्ड होती है। ठीक है, जैसे आम इलेक्शन होते हैं वैसे ही इलेक्शन होता है दोस्तों, और पूरी तरीके से यहाँ पे ओबीसी के लोगों की भी आरक्षण की मान्यता दी गई है अगर ज़रूरत पड़े तो। तो एक काम किस पे करते हैं, काम 29 विषय हैं जिन पे काम कर सकते हैं, जिला परिषद भी, साथ में ब्लॉक समिति भी, और साथ में ग्राम पंचायत भी। 29 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें पूरी तरीके से स्थानीय सरकार जो है अपना कहीं ना कहीं इंटरफेयर दिखा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे इनका कंसर्न डायरेक्टली स्टेट से होता है, हेड ऑफ़ द अथॉरिटी स्टेट ही होती है, यानी कि स्टेट का सीएम या एमएलए या एमपी डिसाइड करेगा कि लोकल गवर्नमेंट के अंदर किस तरीके का विकास होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए अब क्योंकि पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, शुरुआती समय में पहले ग्राम पंचायत था, इसे पंचायत राज प्रणाली यानी कि पंचायती राज सिस्टम बाद में बनाया गया। 1957 के अंदर स्थानीय सरकार के बारे में स्टडी करी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और उसके लिए कमेटी बनाई गई थी, वो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई थी बाद में, और स्टडी करा गया कि कैसे जो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति, जिला परिषद है, इनका कामकाज क्या होगा, कैसे सिलेक्ट होंगे, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इसमें क्या सरकारी ऑफिसर कैसा इसका रोल होगा, वो सब हमने देखना है। ठीक है, सबसे पहले 1959 के अंदर पंचायती समिति जो था, पंचायती राज सिस्टम यानी कि पंचायती राज सिस्टम जो पहले ग्राम पंचायत होता था उसको पंचायती राज सिस्टम बनाया गया, और राजस्थान, तो राजस्थान में सबसे पहले दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी। अब राजस्थान में कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कौन से जिले के अंदर सबसे पहले राजस्थान में जो पंचायती राज प्रणाली है उसकी शुरुआत करी गई थी। अब क्योंकि ये प्रणाली जो थी सक्सेसफुल हुई, अच्छी हुई, और बाद में बलवंत राय मेहता कमेटी ने, पीके थुंगन कमेटी ने इसके ऊपर और ज़्यादा स्टडी करने की कोशिश करी, और फाइनली 1992 के बाद इसमें बिल पेश हुआ, और 1993 के बाद 73 और 74 अमेंडमेंट सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो गया। इसकी सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई थी, राजस्थान में। राजस्थान के कौन से ज़िले में हुई थी वो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, फाइंड आउट कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं ताकि लोकल लोग भी अवेयर हो सके आपके आंसर से। ठीक है, तो फाइंड आउट करिए, गूगल करिए, विकिपीडिया करिए, अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर दोस्तों अब ग्राम पंचायत जो होता है, ग्राम को चलाने वाला जो व्यक्ति होता है वो ग्राम पंचायत का प्रधान कहलाता है, जिसे आप विलेज का हेड बोलते हैं। दोस्तों ये विलेज का, 4-5 विलेज का हेड हो सकता है, ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे जो मैं बोल सकता हूँ पंचायती राज सिस्टम का सबसे निचले स्तर पर काम करने वाला व्यक्ति यही होता है। जैसे अगर हम अपने लेवल की बात कर लें कि एमपी सबसे बड़ा होता है हमारी दिल्ली के अंदर, फिर उससे छोटा एमएलए होता है, और फिर उससे छोटे जो होते हैं काउंसलर होते हैं, है ना, काउंसलर नहीं होते, अगर आपको पता हो काउंसलर कौन होते हैं, उन्हें हम दिल्ली के अंदर प्रधान नहीं बोलते हैं, उन्हें काउंसलर बोलते हैं, पार्षद बोलते हैं। लेकिन गाँव जैसे इलाकों के अंदर ग्राम पंचायत होती है, इसलिए ग्राम का प्रधान इन्हें बोला जाता है। तो जितने भी लोकल काम होते हैं डायरेक्टली ये जनता से जुड़े होते हैं, जनता ही इन्हें वोट डालती है, तो इसीलिए ये जनता के प्रति अकाउंटेबल रहेंगे, जिम्मेदार रहेंगे। और ग्राम पंचायत के चुनाव के अंदर भी एससी और एसटी के लिए छूट होती है, साथ में वुमेन्स के लिए भी छूट होती है, और ये भी सिर्फ 5 साल के लिए ही चुने जाते हैं। अब क्योंकि दोस्तों ये विलेज पंचायत है इसलिए ये सबसे छोटे स्तर पर है, तो ये ब्लॉक के लिए ही काम करते हैं, यानी कि ब्लॉक की तरफ से इनको पैसा मिलेगा, ब्लॉक की तरफ से इनको सारी फंडिंग मिलेगी। विलेज के अंदर कोई भी काम करना हो वो सब काम करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। ठीक है ना, तो बाद में फंडिंग वो ब्लॉक से ले लेते हैं। इनका काम क्या होता है, नॉर्मल काम होता है, सड़कों का निर्माण करना, मेंटेनेंस करनी, ड्रिंकिंग जो फैसिलिटी है डिस्ट्रीब्यूशन करना सही तरीके से, गलियों के अंदर स्ट्रीट लाइट का फोकस करना,
सैनिटेशन फैसिलिटी है, स्वच्छता का ध्यान रखना, साथ में जीवन और मरने वाला जो बर्थ रेट होता है, डेथ रेट होता है, उसके लिए सर्टिफिकेट बनाना और टैक्सेशन कलेक्ट करके देना सरकार को, और पूरी तरीके से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कल्याण का काम करना नॉर्मल काम होता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है इसमें, आपको ये ध्यान रखना है। अब उसके बाद बात करते हैं पंचायत समिति की, जो दोस्तों पूरी तरीके से मीडिएटर का काम करती है। मीडिएटर मतलब मध्यस्थता का, विलेज के लिए भी और डिस्ट्रिक्ट के लिए भी, यानी कि ब्लॉक पूरी तरीके से विलेज के कामकाजों को बताता है डिस्ट्रिक्ट से, और जो ब्लॉक होता है वही कंट्रोल करता है विलेज के सारे सिस्टम्स को। तो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि जो विलेज पंचायत है वो सही मायने में ग्राम पंचायत को और जिला परिषद को एक दूसरे से जोड़ के रखता है। तो इसीलिए ये कोई एक सरकारी ऑफिसर ही करता है। यहाँ पे ब्लॉक के हेड में कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ लोकल लीडर भी शामिल हो जाता है, लेकिन इसके अंदर एससी एसटी और वुमेंस के लिए रिजर्वेशन है। पूरी तरीके से स्टेट की लेजिस्लेटिव के अंदर इसके ऊपर बिल पास हुआ था, और साथ में ये बोलने की कोशिश करी गई थी कि इट कंसिडर्ड द हेड ऑफ द विलेज पंचायत अ फ्यू अडॉप्ट मेंबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से बहुत अहम रोल निभाता है। ये एक किसी भी डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा ऑफिसर कहला सकता है ये। तो इसका बहुत तगड़ा रोल होता है। इसका भी रोल होता है कि देखे कि पूरी तरीके से जो ब्लॉक पंचायत है वो कैसे काम करवा रही है, मतलब गांव के जो विलेज के प्रधान होते हैं वो कैसे रोड का कंस्ट्रक्शन करवा रही है, इसका मेंटेनेंस कर रही है, इसका रखरखाव करने का काम भी कहीं ना कहीं ब्लॉक पंचायत का ही होता है। कृषि के सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए गांव के अंदर इन्हीं का ही रोल होता है, जैसे कि वो कहेंगे एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ाना चाहिए, पशुपालन करना चाहिए। यही पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है छोटे छोटे लेवल पे वो किसानों को दी जा सके, फ्री दी जा सके, और साथ में विलेज इंडस्ट्रीज़ में पूरी तरीके से फिर ये फॉर्म करते हैं विलेजेस में नई नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का, और साथ में विलेज के अंदर हर चीज़ों की ज़मीनों का रखरखाव करने का काम भी इन्हीं का ही होता है। स्वच्छता तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही, और साथ में हेल्थ केयर और साथ में एजुकेशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम होते हैं जो ब्लॉक परिषद के होते हैं। अब बात करते हैं जिला परिषद की, जो डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा हेड होता है। तो दोस्तों जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा हेड होता है, तो इसीलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही काम करता है। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी कहीं ना कहीं जिला परिषद का हेड बनने के लिए या तो ये एमपी हो सकता है और या तो ये एमएलए हो सकता है। तो क्योंकि दोस्तों ये जनता के द्वारा ही चुना जाता है, इसलिए इसमें भी एसटी एसटी और वुमेन के लिए भी कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ रिजर्वेशन होता है। अब इसका भी जो काम होता है ना वो बिल्कुल सिमिलर होगा, लगभग देख रहे हो ना, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द रोड, साथ में इन्हें देखना है गिव इन कंसिडरेशन, मतलब बताना है ब्लॉक पंचायत जो होती है, जिला पंचायत जो होती है उसका काम ये होता है कि ब्लॉक पंचायत के बजट के बारे में सोचना। क्योंकि जिला पंचायत अगर ब्लॉक पंचायत को पैसा नहीं देगी तो सिंपल सी बात ये होती है कि वो फिर विलेज को पैसा कैसे देगी। और दोस्तों यहाँ पे ब्लॉक पंचायत खुद पैसा इकट्ठा नहीं करती है, उसे स्टेट की तरफ से स्टेट के फाइनेंस कमीशन जो होते हैं उनकी फंडिंग करते हैं, जब जाके ब्लॉक पंचायत को पैसा मिलता है। ब्लॉक पंचायत डिस्ट्रिक्ट पंचायत को देता है और डिस्ट्रिक्ट पंचायत ग्राम पंचायत को देता है, ठीक है ना, ये सिस्टम है ताकि शक्तियों को बांटा जा सके, ये आपको याद रखना होगा। और ये सब सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि जो ब्लॉक पंचायत है वो सही सिस्टम से काम कर सके। अब क्योंकि चाहे ब्लॉक पंचायत ले लो, चाहे जिला परिषद ले लो और चाहे ग्राम पंचायत ले लो, उन सब के इलेक्शन जो है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट कराती है। यानी कि अगर राजस्थान और मैं कहूँ कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर ग्राम पंचायत के चुनाव होने, तो दोस्तों स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा। जैसे भारत के अंदर पूरी तरीके से चुनाव होते हैं तो उन्हें इलेक्शन कमीशन चुनाव करवाता है। तो यहाँ पे जैसे भारत के अलावा किसी स्टेट के अंदर अगर प्रधान के चुनाव होंगे तो वहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होगा उसका चुनाव करवाएगा। और दोस्तों स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है वो वहाँ के राज्यपाल के द्वारा अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, ये याद रखना, ठीक है ना। जैसे इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर, उनकी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा होती है ना, और यहाँ के जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट राज्यपाल के द्वारा होती है। तो ये थोड़ा सा आपको फोकस करना है।
स्टेट चुनाव इसलिए करवाती है क्योंकि इनको ये अच्छे तरीके से पता है कि जो इलेक्शन कमीशन होता है ना, वो बहुत बड़े लेवल पे काम करता है, और स्टेट इलेक्शन कमीशन सिर्फ और सिर्फ अपने पर्टिकुलर स्टेट के अंदर इलेक्शन करवाने का काम करता है। अब स्टेट को फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, और चाहे जिला परिषद ले लो, चाहे ग्राम पंचायत ले लो, और चाहे ब्लॉक परिषद ले लो, इन सबको पैसा देने का काम स्टेट फाइनेंस कमीशन ही करता है। जैसे सेंट्रल फाइनेंस कमीशन होता है जो सेंट्रल में सभी स्टेट को पैसा देती है, और जब स्टेट को पैसा मिल जाता है तो स्टेट का भी अपना खुद का फाइनेंस कमीशन होता है, ये राज्य वित्तीय आयोग कहलाता है। और दोस्तों ये 5 साल के लिए ही अपॉइंट होता है, क्योंकि मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार चल रही है, उस उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार चल रही है ना, उसी के मंत्री में से किसी एक को स्टेट फाइनेंस कमीशन दिया जाएगा, और फिर वो फाइनेंस कमीशन चलाएगा। फाइनेंस कमीशन में दोस्तों जो स्थानीय सरकार होती है उसको पैसा देने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं स्टेट कमीशन की ही आती है। तो स्टेट कमीशन हर चीज़ की जांच करेगा, स्टेट कमीशन कहेगा कि इतना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, किस लिए खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, क्यों खर्च हो रहा है, उसके हिसाब से वो फंडिंग देने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम होता है लोकल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट और लोकल के बीच में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना। पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पूरी तरीके से वो फंडिंग वो कर सकते हैं। सो फाइनली इन दिस वीडियो वी हैव फिनिश मेन इंपॉर्टेंट पार्ट एंड लेट्स मीट इन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में, वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।